हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी हो गई है आज की सुबह और मैं कर रही हूँ अपने आप को फ्रेश। तो मैंने फेस वॉश करके फ्रेश कर लिया है अपने आप को। अब मैं दौड़ चलूँगी अपने किचन की ओर, क्योंकि रोज़ रोज़ का रूटीन जो मेरा शुरू होता है वो किचन से ही शुरू होता है। तो स्वागत है आप सबका, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और ये मेरी दी है जो लंच बना रही है अपने बच्चों के लिए और गाना गा रही थी, तो साथ में मैंने भी थोड़ा सा गुनगुना लिया। देन मैं करूँगी पानी को गर्म। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी, अगर आपको गैस होता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत आम बात है, तो गर्म पानी एक गिलास आप पिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जब से मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, तब से day 1 से मैंने ये गर्म पानी लिया है और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं रोज़ का रूटीन मैंने बना लिया है कि उठते ही गर्म पानी ज़रूर पीना है। प्लस ये है मेरा दवा, जो मेडिसिन मैं खाली पेट मुझे लेनी होती है, साथ ही में मैं ले लेती हूँ मॉर्निंग में, ताकि मैं भूलूँ नहीं। उसके बाद अगर आप कुछ करने लग जाते हो फिर बहुत लेट हो जाता है, तो गर्म पानी के साथ मैं ये दवा भी ले लेती हूँ। देन आपको ये दिख रहा है, मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया है कि मैं किस चीज़ की मेडिसिन लेती हूँ। और ये सुबह सुबह गर्म पानी पीने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे वॉमिटिंग आती है बड़ी तेज़ की, बट मैं क्या करती हूँ, अपने आप को एकदम कंट्रोल करके आगे बढ़ती हूँ। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने घर का पिछला हिस्सा, जहाँ पर मैं करती हूँ एक्सरसाइज, जो मुझे बहुत फ्रेश फील होता है उधर में, हरा भरा जो है उधर। तो ये है हमारे घर का पिछला हिस्सा और ये है बड़ा सा पेड़, जो हम बहुत छोटे थे तब ये छोटा था और हम बड़े हो गए तो साथ में ये बड़ा हो गया। अगर आपको खाना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और हम आपके घर पर भेज देंगे। और ये हमारे घर के सदस्य, इनके जो दोस्त थे वो उड़ गए हैं, तो हम ही इनके साथ टाइम पास कर लेते हैं। मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बात करना। आजकल मेरा मिट्टू भी है ना, बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है, क्योंकि इसके जो दो दोस्त थे उड़ गए, इसको छोड़ करके बेचारा बच गया है अकेले, इसलिए ये थोड़ा सा दुखी रहता है। तो हम इसके साथ हैं, ये टेंशन ना ले। तो सबसे पहला जो है सुबह का वॉक, वो एकदम स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लेट भी उठ रहे हो ना, तो वॉक तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और मैं भी लेट उठती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं फिर भी वॉक कर लेती हूँ। देन वॉक करने के बाद मैं दिखा दे रही हूँ अपने घर का थोड़ा सा छोटा सा गार्डन। ये घर के पीछे का हिस्सा है मेरा, और सुबह सुबह आप देख रहे हो ओस कितना सुंदर सा पड़ा हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैं जब भी उठ के जाती हूँ ना, सबसे पहले यहीं पहुँचती हूँ, मुझे बहुत फ्रेश फील होता है और बहुत ताज़ा बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में यहाँ पे वॉक और एक्सरसाइज करने में जो हरा भरा है ना, बहुत बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी वाइब देती है मुझे। इस वजह से मैं ज़्यादातर इनके साथ टाइम पास कर लेती हूँ सुबह में। देन मैं स्टार्ट करती हूँ अपना बटरफ्लाई एक्सरसाइज, और मैं सारे एक्सरसाइज जो है ना वो 5 से 10 मिनट तक ही करती हूँ। मतलब एक एक्सरसाइज को मैं 5 मिनट या 10 मिनट करती हूँ। जिस एक्सरसाइज से मुझे ज़्यादा राहत मिलती है, उस चीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। थोड़ा थक जाती हूँ, क्योंकि रेस्ट ले लेके करना है किसी भी एक्सरसाइज को, तो आराम से मैं रेस्ट ले लेती हूँ, देन दूसरा स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं हो कंटिन्यूसली करने लगूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली हम कर भी नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं अभी के टाइम में। तो ये सब एक्सरसाइज जो है मेरे मन को भी शांत रखता है। और सेकेंड कि मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं अभी ये सारे एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली करती रहूं, मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। 2 महीना बचे हुए हैं, 8 मंथ 9 मंथ में आपको सारे एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देने चाहिए सुबह शाम, ताकि आपकी डिलीवरी जो है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके कि नॉर्मल हो। तो मैंने कोशिश की है कि एक्सरसाइज कभी स्किप नहीं करी है, और ये इस एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, इससे कमर दर्द में बहुत राहत मिलती है, तो मैं इसे तो ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिलहाल मैंने अभी स्टार्ट किया है, बहुत दिनों से नहीं किया कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि स्टार्टिंग में ही अगर आप सारा कुछ एक साथ करने लग जाओ, तो आपसे मतलब ये चीज़ हेवी हो जाता है, होता नहीं है। इस वजह से मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया है। दिन मेरा हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज नहीं दिखा रही हूँ, मैं 5 मिनट का सब कर लेती हूँ, 10 मिनट का। दिन मैं आ गई अपने हस्बैंड जी के पास, ये सोए हुए हैं और इनको उठा रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए आप भी। मैं मस्ती कर रही हूँ उनके साथ, बहुत मजा आता है।
इनको लग रहा होगा कि ये सुबह सुबह ही शुरू हो गई, लेकिन क्या करें यार, ब्लॉग सुबह से ही शूट किया जाता है और मैं इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। ये सो रहे हैं, वैसे तो उठ जाते जल्दी ही, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए मेरे चोनू मोनू। जाओ जाओ, हम भी एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, हम थक आप उठाए तो थक गए, हम एक्सरसाइज करके थक, हम आराम कर। इन महाशय को डिस्टर्ब हो रहा था और ये देखो ये क्या, ये तो पलट के सो गए। चलो कोई बात नहीं भाई, आप सो लो, तब तक मैं कर लेती हूँ ब्रश और ले लेती हूँ सुबह का अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट कुछ खाने वाली हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे हैवी फील होता है, मैं आज स्पेशली उस पर ब्लॉग्स बना रही हूँ कि हैवी फील हो तो आप लाइट ही खाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना। मेरे कुंभकर्ण जी को उठ जाते थे और आराम से 4 बजे उठते थे, 5-5:30 तक फ्रेश हो करके, मतलब 6 बजे तक तो ये पक्का जिम चले ही जाते थे, लेकिन ये मेरे पास आते हैं ना तो बोलते हैं कि आप जाने नहीं देती। बताइए, हम जाने नहीं देते, हमको उठा देते हैं कि आप जाके एक्सरसाइज करिए और खुद सोए रहते हैं। अब ये हो गई है हमारी दांत की घिसाई और मैं तो आज लग रहा चमका के रख दूंगी अपने दांतों को। और ब्रश करने के बाद सबसे पहले जो मैं लेती हूँ वो होता है नारियल पानी, जिसे हम कोकोनट वाटर भी बोलते हैं। और दिन में ले रही हूँ एक बनाना। वैसे मैं बनाना बहुत कम खाती हूँ, लोग कहते हैं कि कलर पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे सांवले हो जाते हैं, बट मैं ये सब नहीं मानती, मैं ले रही हूँ। दिन मैं नहाने धोने चली गई, 10 हो गया था, 10 मतलब बीच का मैंने सूट नहीं किया तो 10 बज गया, 10 बजे मैं गई नहाने। उसके बाद मैं ले लूँगी रोटी, दाल और कोई भी हरी सब्जी और सैलेड वगैरह तो मेरे से सुबह में खाया नहीं जाता, तो मैं दोपहर में खाती हूँ। दिन ये आ गया मेरे भैया का बेटा और ये तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वीडियो में ये न दिखे। तो ये नहा के आया था, इसने बस पैंट पहना हुआ है, ऊपर का ड्रेस पहनने ही वाला था, तो देखा कि बुआ ने नाश्ता स्टार्ट कर दिया है, तो बोला कि चलो ठीक है भाई, मेरा भी आज का ब्लॉग शूट करिए दो। तो ये महाशय भी आ गए हैं ऊपर नंग धड़ंग अपना खाते पीते, और वीडियो के चक्कर में खा भी रहा नहीं तो ये खाता भी नहीं है। दिन मैंने उसे खिला पिला के कर दिया रफा दफा और मैंने भी खा पी करके अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया है। दिन मैंने मॉर्निंग का जो विटामिन टैबलेट होता है मैंने टैबलेट भी ले लिया। दिन सर पकड़ ली मैं, पता नहीं क्या हो गया मुझे। उसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करके सोची कि चलो आज थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, मेरी भतीजी है छोटी सी, उसके लिए मेरा मन हो रहा था फ्रॉक बनाने का। और ये देखिए, ये जो मेरा हिडन टैलेंट है ना, आज आपके सामने आ गया है। तो ये थोड़ी सी नेट बची हुई थी, मम्मी ने निकाला हुआ था वेस्टेज कपड़ा, क्योंकि चल रहा है टाइम दिवाली का, बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं हमें, तो वेस्टेज कपड़े से मैंने बनाया अपने भतीजी के लिए फ्रॉक। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ये मेरा हिडन टैलेंट है। और इसके बीच में मैं इतना बैठ गई थी, बैठे बैठे स्टिच करने लगी और मुझे मशीन वगैरह ज़्यादा चलाना नहीं है, तो मैं मशीन से ही थोड़ा थोड़ा करके फटाक से बना ली, बट मैं थक बहुत गई थी। तो दोपहर में मुझे ना बैठे ही रह गई जो सुबह से दोपहर तक, तो मेरा खाना जो था मतलब सुबह का वो पचा नहीं, तो मैंने सोचा कि दोपहर में कुछ खाने से अच्छा है कि हल्का फुल्का ही कुछ प्रोटीन ले लिया जाए। तो मैंने ले लिया 1 गिलास मिल्क विथ मलाई और खजूर, बहुत अच्छा होता है। देन अपनी टेडी को ले लूँगी, बच गया है दोपहर का 2 या 2:30 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है, और मैं ले लूँगी रेस्ट, क्योंकि मैंने देख सकते हो आप मेरे पैर के साइड जो मैंने फ्रॉक सिला हुआ है वो अपने साथ ही लेके सो रही हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ और मेरी टेडी भी सो लेता है मेरे साथ 2 घंटे के लिए। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं आज, इसलिए मैंने लाइट भी ऑफ करना ज़रूरी नहीं समझा, तो लाइट ऑन ही रह जाएगा और मैं सो जाऊँगी। 2 घंटे सोने के बाद अब हो गया फिर से मेरा गुड इवनिंग हो गया है, अब शाम हो गई है, मैं उठ गई हूँ और देखते हैं शायद बाहर में चाय बन रहा होगा, क्योंकि शाम के टाइम में सब लोग चाय बना देता है, मैं उठती हूँ तो डायरेक्ट चाय पर टूट पड़ती हूँ।
तो जैसा कि आप ये ब्लॉग देख रहे हो, इससे ज़्यादा मैं सूट नहीं कर पाऊँगी। शाम का स्नैक्स लूँगी और चाय साथ में, देन उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बट थोड़ा ना अंधेरा जैसे होने लग गया था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सूट करने में, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं फिर से वीडियोज़ बनाऊँगी और शाम को सेम एक्सरसाइज रिपीट करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।